हर हर महादेव। तो आइए, हम पहुंच चुके हैं देवघर के धरती पे और घंटा चौक अब पहुंचने वाले हैं और बाबा का दर्शन करने के लिए हम लोग पहुंच रहे हैं। हम लोग 5-7 लोगों के साथ हैं। तो आइए दिखाते हैं बाबा के नगरी में क्या सब, कैसे आप जल चढ़ाते हैं और कैसे कैसे क्या परिक्रमा लगाना होता है। मैं जब पिछली बार आया था तो मुझे तो लगा कि बाबा जल्द ही बुला लिए। मुश्किल से मुझे 1 से 1.5 घंटे के लाइन में ही जो है सो बाबा से दर्शन हो गया था। लेकिन इस बार देखते हैं कि कैसे कैसे बाबा का बुलाहट है और कैसे बाबा से हमें दर्शन होंगे। तो आप भी यदि बाबा का दर्शन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए और कभी आप बाबा के नगरी में देवघर पहुंच के वहां से बाबा का दर्शन कीजिए। ये देखिए आंटी जी कैसे देख रही थी, लग रहा था कि जैसे कि क्या बताएं। तो ये देखिए जस्ट सामने ये घंटाघर हम दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये घंटाघर जो चौक है ये यहाँ बहुत बड़ी एक घड़ी लगी हुई है और उस घड़ी का टाइम जो है सो बिल्कुल 24 घंटे चलते रहती हैं। तो ये घंटाघर होगी और घंटाघर से आगे जो हम प्रवेश करेंगे तो प्रवेश द्वार जो है बाबा के नगरी के लिए जो एक लाइन बनाए गए हैं ओवरब्रिज पुल जिसके में जो ये देखिए आ गए हम। तो यहाँ जो है सो बाबा के नगरी में हम लगे हैं 26 नंबर, ये क्या कहते हैं केबिन टाइप का बनाया हुआ है। मुश्किल से मुझे लगता है कि 30 मीटर की दूरी पर जो है जो नाम दिया गया है। तो हम लोग लगे हैं 26वें नंबर पे, 26 अब हमको 0 पे जाना है। तो ये देखिए बाबा के परिक्रमा में जो है सो सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, बाबा का जयकारा लगा रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को मैंने म्यूट कर दिया है। मुझे लगता है कि आज जो लगभग लोग आए होंगे तो 1.5 लाख लोग प्लस हैं। कहे कि जो अभी तक मुझे लगता है 5 घंटे के आसपास, मैंने 9:30 बजे सुबह ही लाइन में लगा था और अभी जो है सो 2 बजने वाले हैं और अभी तक मैं लाइन में हूँ और अभी लाइन जो है सो अभी मैं पहुँचा हूँ 15 नंबर ही लाइन पे, मुझे 1 पे जाना है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ यहाँ पे भीड़ होंगी और कितने टाइम से लोग यहाँ खड़े हैं। बहुत सारे बच्चे तो रिटर्न हो रहे हैं, किन्हीं को भूख लगी है, किन्हीं को शौच लगा है, तो बहुत सारे लोग यहाँ से रिटर्न हो रहे हैं। तो खैर आप मेरे साथ बने रहिए, बाबा के दर्शन के लिए आप ज़रूर एक बार अवश्य पहुँचिए देव के नगरी देवघर। धन्यवाद।